नमस्कार, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका स्वागत है। ये डालते हैं नजर आज की मुख्य खबरों पर। पूर्वी सिंहभूम आम आदमी पार्टी जिला टीम के नेतृत्व में जंतर मंतर पर धरना दे रहे महिला खिलाड़ियों के समर्थन में आज शाम साक्षी गोल चक्कर पर कैंडल मार्च किया गया। इस अवसर पर जिला के तमाम पदाधिकारी गण एवं सम्मानित कार्यकर्ता गण उपस्थित हुए। इस अवसर पर महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती विनीता मिश्रा ने मीडिया को बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जो बीजेपी के सांसद तथा कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उसने जो महिला खिलाड़ियों के साथ दुष्कर्म किया है, ऐसे दुराचारी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से तत्काल बर्खास्त किया जाए। आम आदमी पार्टी की पूरी टीम न्याय दिलाने के लिए खिलाड़ियों के साथ है। मौके पर जिला महिला पदाधिकारी श्रीमती मधु देवी, रेखा देवी, बबीता पांडे, सुचित्रा महतो, नीतू कुमारी, जिला सचिव शिंभू सिंह गांधी, जिला उपाध्यक्ष गणपति गरुबा, दिलीप महतो, कानन गणेशन, बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष प्रोफेसर शालिग्राम मिश्रा, जिला संयुक्त सचिव मंगल करुआ, पार्टी के जिला के स्टार प्रचारक जितेंद्र यादव, पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र पांडे, प्रखंड अध्यक्ष नारायण सोरेन, पार्टी के जुझारू और पुराने साथी बलराम यादव के अलावा सलमा मुर्मू, कमल करवा, अंजलि गरवा, पीताम्बर मुर्मू, मंगल लोहरा, दुर्गा मुनि, दिनेश तिवारी, प्रीति नायक, सुमित इत्यादि उपस्थित रहे। मैं विनीता मिश्रा, आम आदमी पार्टी महिला जिलाध्यक्ष, आज हम अपनी पूरी पार्टी के माध्यम से, जमशेदपुर पूरी जिला टीम के माध्यम से यहाँ साक्षी गोल चक्कर पर महिला खिलाड़ियों के समर्थन में, जो हमारी महिला खिलाड़ी जिनके साथ शोषण जिनका हुआ है, और वो भी भाजपा के ऐसे भ्रष्ट नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के माध्यम से उनका शोषण हुआ, जिसके खिलाफ वो एक महीने से धरने पर बैठी हैं, मगर वो खुलेआम घूम रहा है। आज भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि दोषी वैसे नेता को आज भी भाजपा सरकार बचा रही है। और हमारी महिला खिलाड़ी, जो हमारे देश की शान है, आज वो अपने न्याय पाने के लिए भटक रही हैं। उनका आज आह्वान था कि हमारे देश की जनता उनके साथ कैंडल मार्च निकाल कर उनका साथ दें, क्योंकि आज वो भी दिल्ली में आज कैंडल मार्च निकाल कर अपने दुख को व्यक्त कर रही हैं, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। उन्हीं के समर्थन में हमारी यह पूरी पार्टी, आम आदमी पार्टी की पूरे जमशेदपुर टीम आज यहां समर्थन में साक्षी गोल चक्कर पर जुड़ी है। और हम सभी यह मांग करते हैं कि ऐसे दोषी भ्रष्ट और जो खेल के संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं, उनको तत्काल बर्खास्त करें और उनको तत्काल सजा दी जाए।